अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू द थर्ड वीडियो फ्रॉम नूरानी गोट फार्म। सूरत में हम लोग ऊन एरिया करके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त फार्म सेटअप है। देखें आप, एक से एक तैयारी के बकरे आपको सूरत में देखने मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं नाजिम भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरे तो दिखा दिए हमने जो बेचने वाले हैं जी। ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो एक प्रोफेशनलिज्म है जिसके तहत आप काम करते हैं और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है जिससे कि लोग सीख सकें। कैसे होता है, एक बकरा यहाँ पर आया उसके बाद में आप उसका कैसे मैनेजमेंट करते हो भाई ऑन पेपर? असीम भाई देखो, मेरे पास ये चोपड़ा है जी, मेरे पास 100 ने करीब 90 बकरे माशाल्लाह। हर एक बकरे का चोपड़े के अंदर फोटा लगा हुआ है जी, ठीक है। और उसके हिसाब से हर महीने उसकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है जी, उसका वजन क्या आ रहा है, कब उसको डीवॉर्मिंग की जा रही है, कब उसको PPR लगा है, कब उसको कौन सा वैक्सीन लगा है, वो भी इसके अंदर लिखा जाता है। और हर महीने उसका वजन भी आता है, ठीक है। जो बकरा बुक हो गया ऑलरेडी, ठीक है, तो बकरा जब बुक होता है असीम भाई, तो उसके ऊपर उसका नाम नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हर महीने वजन जो होगा वजन का वीडियो बनेगा, और हर पहली से 5 के बीच में या पहली से 10 के बीच में उसको वजन का वेट का वीडियो जाएगा पूरा। ये बहुत बड़ी बात है कि हर बकरे का मांगना नहीं पड़ेगा आपको। हर बकरे का फोटा है मेरे पास। देखो ये बकरा मेरा मर गया, उस पर मैंने लिख दिया तारीख कब मरा है, वो भी लिख दिया है, ठीक है। और ये इसके ऊपर चौकड़ी के बदले में वो आदमी नहीं, ये तो मेरा खुद का था, बुकिंग नहीं हुआ था ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बकरा मैंने बेच दिया था, वो हकीके वाला कोई आया था हमारा खास, तो लेके चला गया भाई मुझे चाहिए चाहिए, तो घर का था दे दिया था। हर बकरे का फोटा लगा हुआ है, तो ये बकरा बिका हुआ है, उसका नाम नंबर वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ है, हर महीने का वेट आ रहा है। ये बकरा बिका हुआ है ऑलरेडी सबका। कोई एक दो बकरों का आप बताएं जिनका हम लोग अभी फिल वक्त वेट कर सकें। बिल्कुल, अभी करा देता हूँ मैं इंशाल्लाह वेट, और आपको एक दो बकरे पकड़ के भी दिखा देता हूँ, और उसके हिसाब से इंशाल्लाह वजन भी दिखा दूंगा। कल ही वेट हुआ है इस गाले का, मैं उसी गाले का वापस से वेट करा देता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, देख सकते हैं आप। ये बकरा लेके आओ भैया। ओए एक काम करो, 83 कल वजन किया ना, अब्दुल्ला वाला बकरा लाओ। अच्छा, कल इसका 83 आया? कल आया था, कल ही मैंने किया है ये वजन, पिछले 6/11 को, 6/12 को, और फिलहाल 6/1 को होना चाहिए, लेकिन मुझे आइंदा हफ्ते कुछ काम है, तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी वजन करना शुरू कर दिया। ये बकरा देखो, ये फोटा है, ये बकरा आ गया, ठीक है। चलो ऊपर चढ़ो, जीरो चलो। बराबर एक महीने पहले इसका वजन था, अभी इसका वजन 77 था, अभी 82 है। 5 किलो 800 आ रहा है, मतलब 83 है, सही है। वो ये 100-200 ग्राम आगे पीछे होता था, हम राउंड फिगर लिख देते। और सुबह का टाइम है बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुबह का टाइम है। मतलब मैं बताऊं कि मैं बराबर 10 बजे फार्म पे आ गया था अभी इनका चारा पानी हुआ भी नहीं है, ठीक है। बकरे की खूबसूरती देखे आप, बनावट देखे, माशाल्लाह। कौन भाई का? अब्दुल्ला भाई। ये अब्दुल्ला भाई हमारे सूरत के। चलिए, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन, आमीन। बहुत अच्छा चल रहा है उनका बकरा, ठीक है। ये एक बकरा और एक दो बकरे आपको मैं, 6/11 को 72 था, 6/12 को 77 था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 83 हुआ है। बकरे की क्वालिटी देखे आप जी, फुल मुनीर भाई वाला बकरा का, मुनीर भाई वाला बकरा, इसके नीचे वाला बकरा देखो। ये बकरा 84 पर मेरे पास आया था, 10/10 को 84 पे आया था, यहाँ आया था ऑलरेडी, पहले मैंने खरीद लिया था ये बकरा, मेरा ही था, लेकिन मैं लाया था 10/10 को, यहाँ लाया था 84 पे। 103 किलो है वो, आगे का नंबर वो थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ नहीं, वो समझ गया। 103 किलो, 103 किलो का बकरा है जी। देखो 84 पे आया था, किया था 105 आया, हाँ बराबर 104 500 आया था, मैंने 105 पूरा लिख दिया है बराबर, तो 83 500 जैसा आ रहा है, हाँ ठीक है। तो आधा पौना किलो का थोड़ा फर्क आता है, हल्का हाँ, है तो भी होता है बराबर। तो ये 84 पे आया था जी, फिर 6/12 को, 6/11 को 92 हुआ, 6/12 को 99 हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह 105 104। अभी आपने अर्ली कर लिया, 6 दिन पहले वजन किया, 6 दिन पहले वजन किया जी, क्योंकि मुझे आइंदा आपसे कुछ काम जाना है। ये बकरा तो बाहर निकाल के आप यहाँ दिखाना भी है, बकरा बहुत खूबसूरत है, वजन तो अपनी जगह है, बढ़ना नहीं बढ़ना, खून का बनना सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये बकरा देखो आप भाई, ये क्वालिटी के बकरे मिलते किधर है? बहुत बहुत कम मिलते हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है। मतलब मेरा सवाल है, मैं गांव-गांव जाता हूँ, नहीं दिखते ऐसे बकरे, बहुत मुश्किल है, बहुत ढूंढना,
कुछ कुछ बकरे ऐसे। अच्छा एक बात है, कितने दांत पे दांत? देखो ये 6 दांत किया होगा असीम भाई, 6 दांत किया होगा। 6 दांत फिर भी तो एकदम नए दांत है, मतलब ये सब बकरे अगर जैसा कंटिन्यू पलटी करते रहे तो ये बकरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। बना देंगे। देखो आप बकरा सही हो तो बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मजा आ गया। ये भी हमारे भाई को ही ले चुके हैं। हाँ, ये हमारे सूरत के ही है, मुझे भाई नाम है उनका। अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। इनको ले जाओ और एक आखिरी जोड़ी दिखाएंगे हम। ये हमारे अफ्रीका के घर आके माशाल्लाह। अच्छा, चलिए तो उनको दिखाएंगे अभी। ये जोड़ी उनकी, एक जोड़ी पे लिए थे उन्होंने बकरे। ये बकरा 71 पे आया था मेरे पास में, आज 83 पे पहुंच गया। जी 83 पर है ये, 71 पे आया था, फिर 79, 6/11 को 71 था, 6/12 को 79 था, अभी 83 हो रहा है, 83 हो रहा है। कल मैंने 83 500 हुआ था तो मैंने 84 लिखा। अभी खाना नहीं खाया ना उन्होंने। 83 500 हो रहा था तो मैंने 84 लिखा है। आपको 1-2 किलो का फर्क जरूर मिलेगा, क्योंकि आधा किलो सुबह का टाइम है। आधा किलो का फर्क आता, आधा किलो 600 ग्राम 700 ग्राम कभी सही है, और कभी किसी का आता, बाकी किसी का तो सेम आता है। चाहे इसको खोल लो, अभी दूसरा बकरा है इनका, इसका दूसरा जोड़ी निकाल। ये हमारे भाई का है, तौसीफ भाई, फ्रॉम अफ्रीका। अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। एक से एक नायाब बकरे, बुकिंग किए हुए बकरे। दिखाने का मकसद सिर्फ आपको एक प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं भाई की, किस तरीके से भाई काम कर रहे हैं। देखो ये 59 पे आया था मेरे पास में। जी 71 है, 6/12 को 65 हुआ जी, और अभी कल हुआ है 70। 70 तो एकदम आराम से उसके ऊपर ही आ रहा है, बल्कि देखो कल मैंने 70 लिखा था, अभी 70 600 हो रहा है। सही, बहुत शानदार। मतलब मैं अगर पकड़ूं ऑन एवरेज 6 किलो तो मिल रहा है आपको? 5-6 किलो अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, ये साइज में, छोटी साइज में और मिलता है, यानी 60 प्लस हो जाने के बाद में। अच्छा 100 किलो के बाद क्या होता है भाई? 100 किलो के बाद थोड़ी एवरेज कम हो जाती है, बल्कि 85-90 हो जाता है, उसके बाद ही कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको 100 किलो का बकरा बताया ना, अल्हम्दुलिल्लाह देखो हर बकरा कम नहीं करता है। मैंने अभी आपको 100 किलो बता दिया, 84 था, फिर 92 तो 8 किलो है, फिर 92 से 99 यानी 7 किलो, फिर 99 से 6 किलो, तो ये 5-6 किलो 7 किलो ले रहा है। और कुछ बकरे लेते हैं 3 किलो 4 किलो 5 किलो 2 किलो, सही है, ऐसा भी एवरेज आता है। और क्या मेंटेन करना भी बड़ी बात है, 100 किलो खुर वगैरह पांव वगैरह भी उसमें देखे जाते हैं, हाइट भी देखी जाती है, जितनी हाइट अच्छी होगी उतना वेट गेन जल्दी करता है। सही, तो जिसको भी बुक करना है, अभी भी काफी ऑप्शन बचे हुए हैं जी। और मैं बोलूंगा वेट तो अपनी जगह है, ऐसी खूबसूरती भी है इनके यहाँ पर, माशाल्लाह नजर बद से बचाए। ये तो एक एग्जांपल दिया आपको मैंने, लाल मुंडी की बकरे का। ऐसे काफ़ी बकरे जो हद से ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। क्या बात है, डंडा लेके भगा, ताली से नहीं भगेगा डंडा। वाह, वाह, ये चीज देखें आप, अभी से उसकी बगल वगैरह निकल रही है माशाल्लाह। तो बाजू का जोड़ीदार देखें, ज्यादातर बकरों में आपको जो साइड से वो दिखेंगे। ऑन एवरेज अगर ये पट्टी पकड़ेंगे तो भाई 75 केजी आएंगे नहीं सब? अभी हाल में आ जाएगी, आ जाएगी ये 100 आराम से पहुंच जाएगी अल्लाह ज्यादा, ये पूरी पट्टी अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। एक बार आप अपना नंबर बता देना। 9898339910 ये भाई का नंबर है। हमने बकरे दिखाए, आराम से बकरे आ रहे, सेटल हो रहे, काफ़ी बकरे और आएंगे इंशाल्लाह, 1-2 महीने में और आ जाएंगे, आइंदा महीने में, ये महीना यानी जनवरी छोड़कर आएंगे जी। और फिर वो सेटिंग का प्रोसीजर है, सेटिंग होगा पूरा, फिर 1.5 महीना हम बेचते नहीं असीम भाई जी, तो यूँ समझो कि फरवरी में आएगा शुरू में, तो मार्च में हम बेचेंगे इंशाल्लाह, अप्रैल में इंशाल्लाह। आना हुआ तो आपको सेम वीडियो इंशाल्लाह बिल्कुल मार्च में अगेन देखने मिलेगा। तो पहले महीने क्या होता है, बकरा आता है बीमार सीमार होता है, उसकी वैक्सीन वगैरह, फिर बाल काटना, खूर काटना, अंडू ला गए तो खस्सी करना। बकरा जंगल से आता है, अंडू भी आते हैं, बाल भी कुछ भी बड़े टेढ़े आड़े टेढ़े रहते हैं, खूर भी आड़ी टेढ़ी रहती है। सही है, तो पूरा 1 महीना तो उसका पूरा प्रोसेस है, पूरा बकरे को सेट करने के बाद ही हम बुकिंग शुरू करते हैं। सही है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, मज़ा आ गया आपके
पूरा सेटिंग सेटअप देख के फार्म का। अस्सलाम वालेकुम।